जो रहे आपके साथ, होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज। विधायक मनीष रावत ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर दी सफाई। आज भाजपा विधायक मनीष रावत एक कार्यक्रम के दौरान सिधौली ब्लॉक के सभागार में पहुंचे थे। उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई पेश की। आपको बता दें कि बीते दिनों अडरिया थाना क्षेत्र के कसावा गांव में कार्तिक पूर्णिमासी में देवी मंदिर पर बार बालाओं का नृत्य कराया गया था तथा देवी मंच पर अश्लीलता परोसी जा रही थी। स्थानीय लोगों द्वारा शिकायत किए जाने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर बार बालाओं को भगा रही थी और भीड़ को खदेड़ दिया, जिसको लेकर आयोजक रमेश ने विधायक मनीष रावत पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। आयोजक रमेश का कहना था कि विधायक जी के कहने पर हमने बार बालाओं का नृत्य कराया। उन्होंने कहा था कि हम सब देख लेंगे, किंतु जब पुलिस पहुंची तो हमने विधायक जी को फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। आज इसी बात पर विधायक मनीष रावत ने सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर लगाए गए आरोप एकदम असत्य एवं निराधार हैं। बार बालाओं का नृत्य कराने के लिए पहले प्रशासन से अनुमति लेनी होती है। बिना अनुमति बार बालाओं का नृत्य करवाना गैर कानूनी है। भाजपा सरकार हमेशा कानून से चलना सिखाती है। आयोजक द्वारा लगाए गए आरोप एकदम निराधार हैं। आप भी सुने कि उन्होंने आखिर क्या कहा। और उनको रहने के लिए बेहतर सुविधा हो, तो आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 4 लाभार्थियों के बैंक खाते में पैसा गया हुआ है और जो अन्य जो लाभार्थी हैं जिनके आवास बन के कम्प्लीट हो गए हैं उनको ताला की जल्दी आज से कटा दिया गया है। और लोगों को, जिन लोगों को अभी आवास, काफी लोग आवास मिल चुका है, कुछ लोग जो भी छूटे हुए हैं इससे 24 तक उनको सबको आवास। बीते दिनों बार बालाओं का नृत्य हुआ कसावा में, उसके जो आयोजक हैं उन्होंने आप पर आरोप लगाया कि आपके कहने से उन्होंने नृत्य करवाया, बाद में आपने फोन नहीं उठाया। ये सब गलत है, ये सब आरोप गलत है। जो भी कोई कार्यक्रम होता है, कोई भी कार्यक्रम होता है, उसकी परमिशन होती है, और बिना परमिशन के कार्यक्रम नहीं होता है। उन्होंने सीधे आप पर आरोप लगाया था, वो जो भी गलत है। अच्छा।